Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज की रेसिपी है चिकन बॉक्स पेटीज। आज हम चिकन बॉक्स पेटीज बनाएंगे और यहाँ मैंने एक पैन लेनी हूँ। इसे पहले अच्छे से हम गरम कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम गार्लिक और ग्रीन चिल्ली अच्छे से चॉप कर लेंगे और फिर इसे ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद हम थोड़ी सी कैरेट चॉप करके इसे ऐड कर लेंगे। इसे स्टर कर लेंगे और हमें इसे भी 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हम कैप्सिकम 1 मिक्स साइज के हम कैप्सिकम चॉप करके इसे ऐड कर लेंगे। इसे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे और हमें इन सारे वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, फ्राई करना है अच्छे से, लो फ्लेम नहीं करेंगे हम। इसे भी 1 मिनट हम अच्छे से कुक कर लेते हैं। अब 1 मिनट कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कैबेज ऐड कर लेंगे। इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। फिर इसे ऐड कर लेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स हम इसे ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर लेंगे। फिर 1 टेबल स्पून हम केचप ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हम रेड चिल्ली सॉस ऐड कर लेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर शेड किए हुए चिकन को ऐड कर लेंगे। मैंने ये चिकन को अच्छे से बॉईल कर ली थी गार्लिक जिंजर पेस्ट और सॉल्ट डाल के। फिर उसके बाद हम इसे ठंडा करके अच्छे से इसे श्रेड कर लिए हैं। अब हम इसे भी ऐड कर लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसे हम 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा 2 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। इसे हम ठंडा करेंगे तो इसी पैन में ठंडा करेंगे क्योंकि हमें और भी चीज़ें इसमें मिलाना है। 4 टेबल स्पून हम मायनीस ऐड करेंगे। अब उसके बाद हम फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून हम सिर्फ ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम को। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जो स्टफिंग बनाएंगे तो इस तरह से सूखा होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए ताकि हम मायनीज और ये डालें तो स्टफिंग हमारी अच्छे से हो जाए। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इसके बाद हम समोसे की पट्टी ले लेंगे। हमें 2 पट्टी को इस तरह क्रॉस रखना है। फिर उसके बाद हम मिडल में स्टफिंग रखेंगे इस तरह से। हमने स्टफिंग मिडल में ऐड कर लिया है। अब उसके बाद हम ये लेई बना लेंगे। पानी थोड़ा सा लेकर और मैदा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 1 साइड को उठा के इस तरह हम रख लेंगे। अब अच्छे से हम मैदा लगा लेंगे। अब हम इस तरह से इसे रखेंगे। अब इस पर भी हम मैदा लगा लेंगे। अब इस तरफ को उठा के हम इस तरह रख लेंगे। अब इस पर भी हम लगा लेंगे लेई।
फिर उसके बाद इस तरफ से हम इसे भी इस तरफ टर्न कर लेंगे और ये हमारी बॉक्स पेटीज हो गई है। अब इसी तरह हम सब बना लेंगे। ये जो पेटीज का साइड खुला है हम इसमें अच्छे से लेई लगा के इसे भी हम बंद कर देंगे। बस इस तरह से हम कर लेंगे। अब ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे हम इसे। और फिर हम वन बाय वन पेटीज को ऐड कर लेंगे इस तरह और इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं हम। अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। एकदम अच्छे से कलर आने के बाद इस तरह से कलर आ जाना चाहिए। अब हम इसी तरह सब पेटीज को फ्लिप कर लेते हैं। अब हम इसे टर्न करके देख लेते हैं। ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे कलर से हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमारी चिकन बॉक्स पेटीज रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।